हाय एवरीवन, आई एम विद्या। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द बुक टॉक्स। तो आज मैं जिस किताब के बारे में बात करने वाली हूँ वो है चंद्रकांता, जो कि बाबू देवकी नंदन खत्री ने लिखा है। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो चंद्रकांता बाबू देवकी नंदन खत्री का अत्यंत लोकप्रिय उपन्यास है। यह हिंदी भाषा का प्रथम तिलिस्मी उपन्यास है और खत्री जी को प्रथम तिलिस्मी उपन्यासकार होने का गौरव भी प्राप्त है। इसकी लोकप्रियता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि इसे पढ़ने के लिए हिंदी भाषा ना जानने वालों ने भी हिंदी भाषा सीखी थी। तो चंद्रकांता एक प्रेम कहानी है जिसमें तिलिस्मी और अयारी ने रहस्य और रोमांच के साथ रोमांस के भावुक घटनाक्रम को भी बहुत अद्भुत ढंग से प्रस्तुत किया है। राजकुमारी चंद्रकांता विजयगढ़ के राजा जय सिंह की पुत्री थी और वहीं के निकट से दूसरे राज्य नौगढ़ के राजा सुरेंद्र सिंह के पुत्र कुंवर वीरेंद्र सिंह थे। तो राजकुमारी चंद्रकांता और कुंवर वीरेंद्र सिंह एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। राजकुमारी चंद्रकांता बहुत ही खूबसूरत थी, तो उसे पाने के लिए विजयगढ़ के दीवान का पुत्र क्रूर सिंह पागलपन की सभी सीमाएं पार कर देता है। वह यहाँ तक कि चुनारगढ़ के राजा शिवदत्त को भी भड़काता है और उनके सामने चंद्रकांता की रूप गुण का ऐसे वर्णन करता है कि शिवदत्त भी चंद्रकांता को पाने के लिए आतुर हो उठते हैं। राजकुमारी चंद्रकांता और उनकी सखी चपला शिवदत्त के द्वारा किए गए एक षड्यंत्र की वजह से एक तिलिस्म में कैद हो जाती हैं। तो राजकुमार वीरेंद्र सिंह चंद्रकांता के वियोग में व्याकुल हो उठते हैं। वह उन्हें ढूंढने के लिए अपने साथी अय्यारों के साथ निकल पड़ते हैं। तो क्या चंद्रकांता राजकुमार वीरेंद्र सिंह को मिल पाएंगी? क्या वह तिलिस्म की कैद से बाहर निकल पाएंगी? जानने के लिए पढ़िए ये बुक। तो मैंने इस कहानी को पूरे मन से और अपना समय देकर पढ़ा है। यह किताब मुझे बहुत पसंद आई और आप इस किताब को रोमांस, फैंटेसी और एडवेंचर जॉनरा में रख सकते हैं। इस किताब के सभी पात्र और कहानी बहुत ही रोचक हैं, बहुत ही अच्छे हैं और ये कहानी बहुत ही अच्छे से गढ़ी गई है। इस किताब में कुछ खूबसूरत उर्दू शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है और मुझे बहुत सारे नए शब्द मिले जिनके लिए मुझे गूगल भी करना पड़ा। तो हाँ, आप लोग भी ज़रूर कीजिएगा और ये किताब भी ज़रूर पढ़िएगा। ये किताब बहुत ही अच्छी है और बहुत ही अच्छी कहानी है इसकी। और फिर मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और अगर आप लोगों के भी कुछ सजेशन है मेरे लिए कि मुझे कौन सी किताब पढ़नी चाहिए और अगली किस किताब की पुस्तक समीक्षा करनी चाहिए, तो मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताइए। और मिलती हूँ अगली बार, तब तक के लिए धन्यवाद।